जो जनता की उम्मीदें थी उन पे कतई खरा नहीं उतरे हैं। बहुत सारी अव्यवस्थाएँ हैं, सड़क की हालत ख़राब है, बिजली की आप देख रहे हो कितने त्रस्त हैं, तो जनता कतई खुश नहीं और परिवर्तन निश्चित रूप से जनता चाहती है। पानी, बिजली और सड़क, इनका तो बंटा धार है बिल्कुल सही। लेकिन भयंकर समस्या तो यहाँ पानी की है, नहीं तो पीने का पानी है और न ही किसानों के लिए सिंचाई का पानी है। यहाँ कांग्रेस का ज़्यादा शासन रहा है, उसी से सारी अव्यवस्थाओं यहाँ देखने को मिलती है। ये भाजपा ये जगह जगह परिवर्तन यात्रा निकाल रही है, लेकिन कुछ लोग कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि ये तो पहले ही चार दड़ों में बंट गई है। सड़क के अंदर इतना व्यापक भ्रष्टाचार है, आप देखेंगे कि सड़कों को सिर्फ काला कर दिया गया है, कलर चढ़ा गया और उनको सड़क का रूप दे दिया गया है। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक जाखड़ और आप देख रहे हैं RJTV24। RJTV24 की चुनावी यात्रा लगातार जारी है, इसी के चलते हम पहुंचे हैं चूरू जिले की सादुलपुर विधानसभा क्षेत्र में। आज हमारे साथ खास मेहमान हैं डॉक्टर कौशल पूनिया जी, क्योंकि आज यहां पर गोगा मेड़ी में भाजपा की जो एक परिवर्तन यात्रा है उसकी शुरुआत होने वाले, तो आइए जानते हैं इस परिवर्तन यात्रा के क्या मायने हैं। और यहाँ राजगढ़ विधानसभा क्षेत्र से लोग काफ़ी हमारे साथ खड़े हैं, भाजपा के लोग हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या राजगढ़ में भी भाजपा परिवर्तन ला पाएगी या नहीं। आइए जानते। नमस्कार सर। नमस्कार अभिषेक जी। सर, आज जो ये परिवर्तन यात्रा आप लेके जा रहे हैं, आपके लोग काफ़ी खड़े हैं, तो इस परिवर्तन यात्रा के क्या मायने हैं गोगा मेड़ी से जो शुरुआत होगी उसकी? राजस्थान के अंदर वर्तमान में कांग्रेस की सरकार है और आम जनता बेहद त्रस्त और दुखी है। परिवर्तन निश्चित रूप से होना और इसी के तहत राजस्थान राज्य के अंदर परिवर्तन संकल्प यात्रा चल रही है, जिसका चौथा चरण आज गोगा मेड़ी से प्रारंभ होने वाला है। अभी तो अभी हम सब सादुलपुर विधानसभा से सभी वहीं उसी में जा रहे हैं और निश्चित रूप से ये जनता का संकेत है और निश्चित रूप से परिवर्तन होगा और भाजपा की बहुत शानदार बहुमत से सरकार बनेगी। जी, भाजपा ये जगह जगह परिवर्तन यात्रा निकाल रही है, लेकिन कुछ लोग कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि ये तो पहले ही चार दड़ों में बंट गई है, चार विधान जो अलग अलग डिवाइड किए गए हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। राजस्थान के अंदर लगभग 200 विधानसभाएं हैं और इसका शुभारंभ 2 तारीख को हुआ था, तो ये क्रम से ये चारों 2, 3, 4, 5 ऐसे इन चारों में लगभग 50-50 विधानसभाओं को चार जगह डिवाइड किया गया है। बटा कुछ नहीं, क्षेत्र तो राजस्थान बहुत बड़ा राज्य है और इसको एक साथ इसका शुभारंभ करने के लिए चार चरण बनाए गए हैं। बटा कुछ भी नहीं है, सब साथ ही हैं, ये तो पार्टी संगठन एक ही है। जी, सादुलपुर से आप जा रहे हो, काफ़ी लोग जा रहे हो, यहाँ पे कांग्रेस के विधायिका हैं, तो उन्होंने क्या क्या काम करवाए हैं, कुछ कहना चाहेंगे आप? सादुलपुर विधानसभा से वर्तमान जो विधायक हैं, निश्चित रूप से कोशिश प्रयास की है, लेकिन जो जनता की उम्मीदें थी उन पर कतई खरा नहीं उतरे हैं। बहुत सारी अव्यवस्थाएँ हैं, सड़क की हालत ख़राब है, बिजली की आप देख रहे हो कितने त्रस्त हैं, तो जनता कतई खुश नहीं और परिवर्तन निश्चित रूप से जनता चाहती है। इस यात्रा को गोगा मेड़ से क्यों शुरुआत की गई है? एक तो पहला तो हमारा जो राजस्थान राज्य है उसको चार भाग में डिवाइड किया है, चार जोन से, और दूसरा धर्म और आस्था का केंद्र है और वर्तमान में अभी गोगा जी महाराज का वहाँ पर आस्था का बड़ा केंद्र है, तो उसी रूप में ही यहाँ से प्रारंभ की जा रही है चौथे चरण। कुछ राम राम बाबा, ये नाम है जगदीश प्रसाद। अच्छा, यह बताओ जो यह परिवर्तन यात्रा आ रही है, या परिवर्तन यात्रा के लग है राजगढ़ में भी आएगी? राजगढ़ में परिवर्तन यात्रा 100% आएगी साहब, आएगी बताओ। पार्टी को फूल पर बटन मोर लगाएंगे और पार्टी का कार्यकर्ता जो है सभी मिल जी, तो जगह जगह घूम रहे हैं कि मैं यो करा दी और वो करवा दिए, वो उनका काम है घूमना नहीं घूमना, हमारा काम है परिवर्तन करना। अच्छा जी, अपना की मोटी मोटी समस्या की तरह नजर आवे राजगढ़ में? मोटी मोटी समस्या तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन भयंकर समस्या तो यहाँ पानी की है, नहीं तो पीने का पानी है और न ही किसानों के लिए सिंचाई का पानी है, और बहुत बड़ी समस्या है। 70 साल से यहाँ कुछ विकास नहीं हुआ है। सर क्या नाम है? विमल पुनिया। अच्छा विमल जी, यह बताओ जी कि राजगढ़ की आप मोटी मोटी बात करा, आज परिवर्तन यात्रा की शुरुआत हो रही है, आप लोग काफ़ी जा रहे हो, इस परिवर्तन यात्रा से क्या राजगढ़ में परिवर्तन आएगा? अवश्य निश्चित आएगा। कैसे आएगा? भारतीय जनता पार्टी एकजुट होकर चुनाव का सामना करेगी और जो पीछे 60 साल में नियम चला आ रहा है वो निश्चित तौर पर बदलेगा। यहाँ कांग्रेस का ज़्यादा शासन रहा है, उसी से सारी अव्यवस्थाओं यहाँ देखने को मिलती हैं।
आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं लेकिन भाजपा में भी एक परिवार का राज रहा है यहाँ पे, उनको कैसे बदल पाओ? वो पार्टी को निर्णय करना है, ये तो पार्टी का निर्णय है, हम थोड़ी करेंगे ये निर्णय। लेकिन जनता की भी तो डिमांड होनी चाहिए। नहीं, जनता की डिमांड है, जनता ने अपनी विभिन्न मंचों के ऊपर अपनी बात रखी है और पार्टी का जो नेतृत्व है उसके सामने भी बात रखी है। हम एक निश्चित जो स्थान होता है वहाँ पर अपनी बात रखते हैं, वहाँ बात रखी है और पार्टी अवश्य इस पर विचार करेगी। यहाँ पे आप जैसे बात करो, समस्याएं क्या क्या नज़र आ रही है? समस्याएं देखिए, यहाँ पानी, बिजली और सड़क, इनका तो बंटाधार है बिल्कुल सही। सड़क के अंदर इतना व्यापक भ्रष्टाचार है, आप देखेंगे कि सड़कों को सिर्फ काला कर दिया गया है, कलर चढ़ा गया और उनको सड़क का रूप दे दिया गया है। आए दिन वो सड़कें टूट जाती हैं, दोबारा टेंडर होते हैं, तो ये तो चल रहा है। इसके अलावा बिजली है, तो आप रात को शायद आए थे तब आपने देखा होगा रास्ते में कि क्या हालत है, तो बिजली तो कटौती है ही। और इसके अलावा किसानों के अभी कर्जा माफ़ी का जो जैसे किया था इन्होंने 10 दिन में राहुल गांधी ने कि भी 10 दिन में कर्जा माफ़ करेंगे, उसको लेकर भी जनता में भारी आक्रोश है। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर कौशल साहब, जो कि भाजपा की परिवर्तन यात्रा है, यहाँ से भाजपा के नेता हैं राजगढ़ से, ये जो परिवर्तन यात्रा में अपने लोगों को लेकर जा रहे हैं। अब देखना होगा कि इस परिवर्तन यात्रा से राजगढ़ के साथ साथ पूरे प्रदेश में क्या परिवर्तन आता है, यानी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आप RJ TV 24 की चुनावी यात्रा को देखते रहिए, फिर मिलते हैं किसी गाँव में, किसी शहर में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।